नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना है, साथ ही प्रगति के राह पे चलते हुए भारत को एक विकसित देश यानी डेवलप कंट्री बनाना है। हमारी सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम नागरिकों के हित के लिए बनी हैं। ये योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब सरकार के पास पर्याप्त पैसा हो। इस वक्त 100 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण योजनाएं जारी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके अंतर्गत 5 साल में 1.25 लाख किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक गरीबों के लिए 1.95 करोड़ घरों के आवंटन की योजना बनाई गई है। साथ ही 2022 तक हर घर में शौचालय हो, बिजली व पानी की उत्तम व्यवस्था हो या फिर रसोई गैस का कनेक्शन हो, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। देश की विकास के लिए इन योजनाओं का सफल होना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता भी है। ऐसे स्थिति में हर टैक्स पेयर का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपना टैक्स समय पे भरे। आप में से कोई भी बता सकता है कि इस वक्त सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो आम लोगों के फायदे के लिए हैं? आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं, इसमें गरीब परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान है। मैं एक डॉक्टर हूँ और हमारे अस्पताल में बहुत सारे मरीज इस बीमा का लाभ उठाते हैं। जी हाँ, आयुष्मान भारत योजना के लागू हुए 1 साल हो चुके हैं। अब तक 47 लाख भारतीयों को इसका लाभ मिल चुका है, जिसमें 7,500 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज हुआ है। आयुष्मान भारत के 2 भाग हैं, पहला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरा हेल्थ वेलनेस सेंटर। सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने की योजना है। इस हेल्थ वेलनेस सेंटर में डायबिटीज, कैंसर आदि के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का भी प्रावधान है। कुल मिलाकर आयुष्मान भारत योजना से लगभग 50 करोड़ देशवासियों को लाभ प्राप्त होगा। एक योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत अभी तक 3 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जिसके तहत करोड़ों की संख्या में बैंक अकाउंट खोले गए हैं। साथ ही इन सभी अकाउंट होल्डर्स के नाम 1-1 लाख रुपए की जीवन बीमा कराई गई है। सरकार की एक योजना है स्टार्टअप इंडिया योजना, जिसका मकसद व्यापार में बढ़ावा देने का है, खासकर की युवाओं और महिलाओं के लिए। इस बार के बजट से मिडिल क्लास लोगों को फायदा हुआ है। अब 45 लाख के फ्लैट खरीदने से बैंक लोन के इंटरेस्ट में 3.5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को $5 trillion की अर्थव्यवस्था में शामिल करना चाहते हैं, क्या ये संभव है? बहुत ही अच्छा सवाल। जी हाँ, भारत को $5 trillion इकोनॉमी यानी 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का निश्चय किया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये भरोसा है कि देश उस विकास के शिखर पर जरूर पहुंचेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 8% का तेज विकास दर चाहिए। वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था 2.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। सही मायने में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बेहतर बनाए रखना जरूरी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश यानी FDI हमारे देश में आ सके। इस GDP को नापने का क्या तरीका है? देश की कुल खपत, निजी निवेश, सरकारी खर्च और निर्यात को जोड़ने के बाद उसमें से आयात की राशि को घटा दिया जाए तो उसकी GDP यानी अर्थव्यवस्था का आकार मालूम होता है। यानी किसी देश में आयात जितना ज्यादा होगा, उस देश की GDP पर उतना ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है
कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा मुख्य त्यौहार जैसे दीपावली, क्रिसमस आदि पर्व के पहले देश के नागरिकों से अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं को ही खरीदें और विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने से बचें। हम सभी भारतवासियों का ये कर्तव्य है कि हम स्वदेशी बने, इससे ना सिर्फ हमारा जीडीपी सुधरेगा, साथ ही स्वदेशी अपनाकर हम महात्मा गांधी जी के आदर्शों का भी अनुसरण करेंगे। हमारी सरकार गांधी जी के दो मुख्य आदर्शों के प्रति बहुत सजग है, पहला सफाई आंदोलन, दूसरा स्वदेशी को अपनाने में जोर देना। स्वच्छ भारत आंदोलन में पिछले 5 साल के दौरान हमें नया भारत देखने को मिला। अब हर जगह सफाई क्लीनलीनेस दिखाई देती है। यह हमारी ओर से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। बिल्कुल सही। पिछले 5 वर्षों में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरे देश में हर स्तर पर, जैसे स्कूल, कॉलेज, दफ्तर आदि सार्वजनिक स्थानों में सफाई की अनगिनत कार्यक्रम चलते आए हैं। हाल ही में सरकार द्वारा लिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत संविधान की धारा 370 हटाकर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को पूरी तरह से भारत की मुख्य धारा में जोड़ दिया गया है। अब देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, भारत में विदेशी निवेश बढ़ रहा है, अब इसका पॉजिटिव असर हमारे जीडीपी में भी दिखेगा। निश्चित रूप से इन गतिविधियों से भारत की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती मिल रही है। हाल ही में अमेरिका के हॉस्टन टेक्सास में हुए हाउडी मोदी इवेंट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान हमें अविस्मरणीय दृश्य देखने को मिला, जब भारत के संविधान की धारा 370 हटाने की खुशी में वहां पर मौजूद 50,000 दर्शकों ने खड़े होकर तालियों द्वारा मोदी जी का स्वागत किया। इस स्टैंडिंग ओवेशन के दौरान वहां पर मौजूद अमेरिका के राष्ट्रपति श्री ट्रंप भी आश्चर्यचकित थे। इससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से हमारा देश भारत कितना प्रभावशाली है। हमारा देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्कीम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जी हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के वर्ल्ड रैंकिंग में वर्ष 2014 में 142वें स्थान पे रहने वाला भारत 2018 में 77वें यानी 77th रैंक में आ गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी तरह यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन बाय लॉज में भारत के स्थान में बहुत सुधार आया है। जी हाँ, यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन बाय लॉज में भारत का स्थान 180 से भी नीचे के पायदान पर था, जो 2018 में 52वें स्थान पर आ गया। हम गर्व से कह सकते हैं भारत विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। हमारे देश में पीने के लिए शुद्ध जल की सुविधा गांव के हर घर तक पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार बहुत ही जागरूक है। इस दिशा में कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने 1 जुलाई 2019 से जल शक्ति योजना की शुरुआत की है। बहुत ही अच्छा। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जल शक्ति अभियान योजना के अंतर्गत मात्र 2 से 3 महीने में लगभग 300 जिलों में 5 लाख से भी ज्यादा जल संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं और लगभग 13 करोड़ पौधे भी लगाए गए हैं। सर, हाल ही में अगस्त 2019 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। सफलता और फिटनेस का रिश्ता भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यह बहुत ही एक बढ़िया प्रयास है। बहुत ही अच्छा। दोस्तों, आज के इस विकास चर्चा पर आपके विचार और अनुभव सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। हम सब का यह कर्तव्य है कि देश सेवा को सर्वोच्च मानते हुए हमें अपना काम करते रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।